नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिनभर की प्रमुख सुर्खियों पर। आने वाले दो वर्षों में जम्मू कश्मीर को हेल्थ सेक्टर की रैंकिंग में देश के शीर्ष राज्यों और यूनियन टेरिटरी में गिना जाएगा, कहा उपराज्यपाल ने। कठुआ में ट्रक में अचानक आग लगने से सह चालक की आग में झुलसने से हुई मौत, जबकि चालक ने ट्रक से कूदकर बचाई जान। अनंतनाग में मकान गिर जाने से पिता पुत्र समेत तीन लोगों की मौत। और धर्मनगरी कटरा में नवरात्रों की तैयारी शुरू। प्रदेश में मेडिसिटी बनाने के लिए 4,400 करोड़ रुपए के 22 प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रियलाइजेशन के अभियान में मेडिसिटी स्थापित किए जाने के प्रपोजल पर काम किया जा रहा है। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं और मैन्युफैक्चर का विस्तार किया जा रहा है। विश्वास है कि आने वाले दो वर्षों में जम्मू कश्मीर को हेल्थ सेक्टर की रैंकिंग में देश के शीर्ष राज्यों और जूनियर टेरिटरी में गिना जाएगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ये बातें रेडियो कार्यक्रम आवाम की आवाज़ को संबोधित करते हुए कही। गांदरबल के फारूक गांदरबली के पत्र के जवाब में उन्होंने ये बातें कही। फारूक ने जम्मू कश्मीर प्रशासन को चिकित्सा प्रयोजन के लिए प्रयास करने के लिए लिखा था। एलजी मनोज सिन्हा ने आगे कहा कि विश्वास और पारदर्शिता सुशासन का दिल है। लोगों की सेवा के लिए कड़ी मेहनत, योग्यता और अटूट निष्ठा की जरूरत है। हाल ही में पुंछ, डोडा, किश्तवाड़ का दौरा किया गया। जिलों में विकास की कई नई ऊर्जा का विस्तार हो रहा है। पहले इन जिलों को नज़रअंदाज किया गया था। समता और सामाजिक समरसता की राह पर चलकर आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा। जिला कठुआ में जम्मू पठानकोट हाईवे पर स्थित राजमार्ग इलाके में ट्रक HR69D2304 में अचानक से आग लगी। इस हादसे में चालक तो बच गया, परंतु ट्रक में बैठे सह चालक की आग में झुलस जाने से मौत हो गई। आग इतनी भीषण थी कि उस पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग के कर्मचारियों को काफी मुशक्कत करनी पड़ी। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह हादसा आज तड़के पेश आया। हाईवे पर चलते हुए ट्रक में अचानक ही आग लग गई। इससे पहले कि चालक कुछ समझ पाता, आग तेजी से बढ़ गई। चालक ने ट्रक से कूदकर अपनी तो जान बचा ली, परंतु उसके साथ बैठा सह चालक आग में झुलस कर मर गया। चालक घटनास्थल से फरार हो गया। दमकल विभाग सूचना मिलते ही वहां पहुंच गया। फायर टेंडर के पहुंचने तक आग ने पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। काफी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में शनिवार की देर रात एक कच्चा मकान गिर जाने से पिता पुत्र समेत तीन लोगों की मौत हो गई। पीड़ितों के परिवार को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने घटना पर दुख जताया। उन्होंने पीड़ित परिवार को तत्काल सहायता मुहैया करवाने तथा घायलों को समुचित इलाज उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। माथेर पथरी डकसुम इलाके में रात को हुई घटना में मलबे में दब जाने से मंजूर गोरसी उम्र 40 साल व पुत्र आसिफ गोरसी उम्र 16 साल और हाजिरा उम्र 55 की मौत हो गई। हुसैन गोरसी की 12 साल की बेटी शकीना सुरक्षित है। मकान गिरने की आवाज़ सुनकर पहुंचे आसपास के लोगों ने तत्काल बचाव शुरू कर दिया। प्रशासनिक टीम भी मौके पर पहुंचकर राहत व बचाव कार्य उन्होंने शुरू कर दिया। पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद के साथ ही कंबल व बर्तन उपलब्ध करवाए गए। नवरात्र महोत्सव पर 26 सितंबर को धर्मनगरी में भक्तों के स्वागत के लिए सभी मार्गों पर भव्य प्रवेश द्वार बनाने का काम शुरू हो गया है। इन्हें रंग बिरंगी लड़ियों से सजाया जा रहा है। साथ ही भवन में हर वर्ष की तरह माँ वैष्णो देवी के हिस्से को विदेशी फलों व फूलों से सजाया जाएगा। नवरात्र महोत्सव पर इस बार भी हर दिन शोभा यात्रा, अखिल भारतीय भेंट प्रतियोगिता, इंटरनेशनल दंगल, हास्य व्यंग प्रतियोगिता आदि प्रमुख आकर्षक हैं। इस बार भी माता की कहानी व भागवत कथा से स्कूली बच्चों द्वारा माता की भेंटों पर आधारित धार्मिक कार्यक्रम व सामाजिक संदेश की प्रस्तुति महोत्सव का हिस्सा रहेगी। सभी कार्यक्रमों के लिए पंडालों का निर्माण कार्य शुरू हो रहा है। जल्द ही योग आश्रम परिसर में भव्य पंडाल का निर्माण किया जाएगा। इसमें भारी संख्या में दर्शकों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। भेंट प्रतियोगिता के अंतिम दिन कई बॉलीवुड हस्तियाँ पहुँचती हैं।
डिपार्टमेंट ऑफ लॉ के छात्रों ने जम्मू यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से मांग की कि उनकी परीक्षाएं जल्द से जल्द करवाई जाएं। उन्होंने कहा, वैसे तो उनकी डिग्री 3 साल में ख़त्म होती है, लेकिन लेट परीक्षा होने से ये डिग्री 4 साल में ख़त्म हो रही है, जिससे छात्रों को काफ़ी सफ़र करना पड़ रहा है। इसी को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। बड़ी डिले है, जो डिग्री 3 साल की है वो आज 4 साल पर कम्प्लीट हो रही है। इस समय हमारा फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम हमने देने थे, बट हमारा फाइनल सेमेस्टर जो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हैं, जो भी हुआ हम नहीं चाहते कि ऐसी चीज़ें फिर से यूनिवर्सिटी के अंदर अनिगना रिपीट हों, बट हमें कहीं ना कहीं बच्चों को भी एडमिनिस्ट्रेशन को ज़रूर देखना चाहिए। और जो मास्टर जो हमारा अनिगा 6 सेमेस्टर है, जो अभी नहीं डिले हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द उसकी भी नोटिफिकेशन आ जाए। और जो 2 पेपर हमारे 5th सेमेस्टर के भी कैंसिल हुए हैं, हम चाहते हैं कि उसकी नोटिफिकेशन जल्दी आए, ताकि हम लोग सफ़र ना करें, बिकॉज बच्चे बहुत ज़्यादा निगना हरास हो रहे हैं। बाकी जम्मू यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन जो जूटा हमारी टीम है, हम उनके साथ, हम उनके सपोर्ट में है। वाट एवर हैपन्स इन द यूनिवर्सिटी, वो बहुत निगना गलत हुआ है। एक जो टीचर है उसकी हत्या हुई है निगना यूनिवर्सिटी के अंदर, वो चाहे सुसाइड हुआ या नहीं हुआ है, बट जो भी कैंपस के अंदर वो गलत हुआ, मैं बस यही डिमांड करता हूँ कि उसकी भी इंक्वायरी जल्द से जल्द हो जाए। और जो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, तो उनके साथ भी ऐसा मत किया जाए कि बिकॉज उनके कैरियर का सवाल है, आगे हमने कहीं नौकरियों के लिए अप्लाई करना। और जो डिग्री आज हमारी अगस्त में ख़त्म होनी थी, वो मुझे लगता है कि वो डिग्री हमारी मार्च तक भी कंप्लीट नहीं होगी। स्टूडेंट को भी एक मतलब देखा जाए, मैं वाइस चांसलर से यही अपील करूँगा कि आप लोग कैंपस के हेड हो, और आपको एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना चाहिए, और एज वेल आपको स्टूडेंट को भी देखना। अब दुनिया के सबसे ऊंचे और दुर्गम युद्ध क्षेत्र में भी इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी कोर ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। फायर एंड फ्यूरी कोर द्वारा दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर 19,061 फीट पर सियाचिन सिग्नलर्स द्वारा सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा शुरू की गई है। गौरतलब है कि फायर एंड फ्यूरी कोर के पास सियाचिन की भी जिम्मेदारी है, जो पिछले 3 दशकों से अधिक समय से दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई पर और सबसे ठंडा युद्ध का मैदान बना हुआ है। सियाचिन ग्लेशियर पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, जहां पर तापमान 0 से 7 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है, जिस वजह से वहां रहने वाले सैनिकों को फ्रॉस्ट बाइट यानी कि ज़्यादा ठंड की वजह से शरीर के सुन्न हो जाने से परेशानी हो जाती है। -0 से भी कम तापमान में तैनात सैनिकों को कई प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सांस में तकलीफ के साथ ही दिमागी सूनापन की भी दिक्कतें आती हैं। कोल्ड इंजरी तो सामान्य है। आज़ादी के 75वें महोत्सव पर जम्मू से कश्मीर में इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हो, इसको लेकर MSME यात्रा की शुरुआत की गई, जिसकी शुरुआत आज जम्मू शहर से हुई और ये 75 सिटीज में यात्रा करेगी, ताकि इसके बारे में लोगों को रूबरू करवाया जाए। इसके बारे में अधिक जानकारी साझा की गई। भारत सरकार के हमारे यूनिट्स ज़्यादा से ज़्यादा लगे आज़ादी के अमृत महोत्सव पर 75 सिटीज में, और 75 साल आज़ादी के उसके बाद ये यात्रा निकल रही है, ये डिफरेंट सिटीज में जाएगी। आज जम्मू कश्मीर में इस यात्रा की शुरुआत है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने इस यात्रा का यहाँ पर एक सेमिनार करके लोगों को जानकारी दे के, खास करके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए एक वर्कशॉप थी, जिसके कि वो आगे जाकर के यहाँ पर जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री का ग्रोथ हो, उसके लिए एक बहुत अच्छा प्रयास था। तो एक विज़न है जो इनका, जो मुझे बताया गया कि हमारे देश में 10 करोड़ MSME यूनिट्स हैं, अगर एक एक को भी नौकरी प्रोवाइड करता है तो 10 करोड़ लोगों को उससे रोजगार मिलता है। ये बहुत ही अच्छा एक कदम है। तो मुझे लगता है कि इन सभी विषयों को लेकर के मैं इनकी यात्रा के लिए कामना करता हूँ। निश्चय ही इनके इस प्रकार के प्रयास से देश में एक नई क्रांति आने वाली है। एक बार फिर से इन्होंने मुझे आज बुला करके यहाँ सुनने का मौका दिया, बोलने का मौका दिया, और इसके लिए फिर से इनका अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा, खुला बयां करता है खबर के पीछे की कहानी, वीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ।
नियंत्रण रेखा पर स्थित गांव बांडी चेचियां अपर में रविवार को एक पुराना पाकिस्तानी मोर्टार शेल मिलने से क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल बन गया। गांव के लोगों ने जिला प्रशासन एवं सेना से उसे विस्फोट का निष्क्रिय करने की मांग की। लोगों ने कहा कि गलती से बच्चे अथवा जानवर इसकी चपेट में आ सकते हैं। गांव निवासी मुख्तियार हुसैन का कहना है कि पाकिस्तानी गोलीबारी के दौरान ये मोर्टार मिट्टी में दब गया लगता है, जो अब बरसात के बाद बाहर आ गया है। जहाँ वह पड़ा है वह गांव में आने जाने का एक रास्ता है, जहाँ से गांव के लोग, स्कूली बच्चे और मवेशी गुजरते हैं। इस मोर्टार से गांव के लोगों के लिए खतरा बना हुआ है, क्योंकि नियंत्रण रेखा के इलाकों में इस प्रकार के मोर्टार से पहले भी कई बार जानी नुकसान हो चुका है। अनुच्छेद 370 व 35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर में हो रहे तमाम बदलावों व बदलती तस्वीर का एक बड़ा सच रविवार को सामने आया, जब आतंकवाद के दौर में कश्मीर घाटी में बंद हो रहे सिनेमा हॉल संस्कृति में 32 साल बाद रंग भरा जा सका। शोपियां व पुलवामा में सिनेमा हॉल खुल जाने से कश्मीरियों के रूपहले पर्दे को करीब से देखने के सपनों को पंख लगे हैं। उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए अब तक 300 किलोमीटर का सफर तय कर जम्मू या फिर किसी अन्य स्थान पर जाना पड़ता था। कश्मीर संभाग में एक ही सिनेमा हॉल आतंकवाद के दौर के 32 साल बाद बारामूला जिले में मई महीने में खुला। यह हॉल पट्टन के हैदर बेग में सैन्य छावनी परिसर में है। सेना ने जर्जर हो चुके जोरावर हॉल सिनेमाघर की मरम्मत करना शुरू करवाया, जिसे 21 मई को दर्शकों के लिए खोला गया। पहले ही दिन सिनेमा हॉल खचाखच भरा रहा। सरकार ने श्रीनगर के बादामी बाग छावनी परिसर में एक मल्टीप्लेक्स बनाने की अनुमति दी है। यहाँ पहले एक सिनेमा हॉल हुआ करता था, लेकिन यह आतंकवाद के दौर में बंद हो गया था। प्रोजेक्ट हमने पुलवामा के यूथ के लिए समर्पित किया है, उसमें रूरल बीपीओ भी शुरू कर रहे हैं, लाइब्रेरी भी शुरू कर रहे हैं, आज थिएटर भी आपने देखा और कैफे भी बना रहे हैं, जहां आप जैसे लोग नौजवानों के साथ बैठ करके आनंद ले सकें। प्रेजेंटेशन सेंटर भी बनाया। कोशिश एक जम्मू कश्मीर प्रशासन की है कि यहाँ के यूथ को कैसे नई तकनीक से लैस करके और ख़ास तौर से आईटी सेक्टर में अधिक से अधिक जॉब मिले और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी वन स्टॉप सेंटर की तरह ये जो सेंटर हम लोगों ने बनाया है ये काम करेगा, ताकि सिविल सर्विसेज हो या जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा हो या आईआईटी हो या नीट हो, उन सब में हमारे बच्चे अधिक से अधिक संख्या में आ सकें। गुल की पहाड़ियों से हथियार और गोला बारूद का एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया। ये सफलता सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप द्वारा चलाए गए संयुक्त तलाशी अभियान में मिली। पुलिस उपाधीक्षक विकार अहमद ने रविवार शाम को गुल में पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर उपमंडल गुल और रामबन में लंबे समय से संयुक्त तलाशी अभियान चल रहा है। सेना की 23 राष्ट्रीय राइफल्स, गुल पुलिस और SOG रामबन द्वारा संगलदान और गुल के जंगलों और ऊंचे इलाकों में एक संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया गया। इस प्रक्रिया के दौरान रविवार की सुबह एक ठिकाने का पता चला। तलाशी के दौरान भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए पीपी न्यूज लाइन के साथ। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।